अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा, उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बड़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं किया है, क्योंकि सब जानते हैं नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा, उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बड़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, जिसका नाम भी आदित्यनाथ असली नहीं, आया था यहाँ जलसा करने हरियाणा में। मैंने पूछा, अजय सिंह बिष्ट अपना नाम तो असली बता दिया करो जो माँ बाप ने दिया था, कम से कम अपने आप को आदित्यनाथ। केवल भगवा धारण करने से कोई भगवे के लायक नहीं हो जाता। आप बिल्कुल कोई वस्त्र धारण ना करो जैन मुनियों की तरह, पर अगर आपका आचरण न्याय का है, अगर आपका आचरण सच्चाई का है तो आप भगवा धारण करोगे। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरा कुर्ता पजामा जरूर सफेद है परंतु मेरा आचरण 10 साल में, आप उसके गवाह हो, आप उसके जज हो, वो भगवा की तरह रहा। कभी भगवा बीजेपी का नहीं, भगवा पवित्रता का निशान है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जब पहली बार हिंदुस्तान में कांग्रेस का झंडा और हिंदुस्तान का झंडा फहराया था तो उसका ऊपर वाला रंग भगवा है, क्योंकि ये कुर्बानी और न्याय का प्रतीक, ये धर्मांगता और टकराव का प्रतीक कदापि नहीं हो सकता। मैं आपसे एक ही बात कहकर, क्योंकि आप सुबह से बैठे और पसीने से लथपथ है, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। आदरणीय मेरे बुजुर्गवारों, आदरणीय नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आपका यह पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वचन है। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।